नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी गुलाटी। आशा करती हूँ आप लोग निरोग हैं, स्वस्थ हैं और नियमित रूप से मेरे साथ योग कर रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए आज है चौथा दिन, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे, आँखों को बंद करेंगे, मन को शांत रखेंगे। डीप इनहेलेशन, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपनी सांसों को महसूस करिए व्हाइल इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेल, एक्सपैंड योर बॉडी, एक्सहेल, कॉन्ट्रैक्ट। ओम का उच्चारण करेंगे, इनहेल, हो। Rub your palm. आंखों पर रखेंगे, चेहरे पे हल्की सी मसाज करेंगे और शुरू करेंगे आज का सेशन। ओम का उच्चारण, आ ऊ मा। मन पूरी तरह शांत हो जाता है और पॉजिटिविटी एंड इट ब्रिंग मोर क्लैरिटी इन आवर लाइफ। ये आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, आपको और ऊर्जा प्रदान करता है। हम लोग हैप्पी रहते हैं, कंटेंट रहते हैं। तो आज सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति किस तरह से करना है, सुखासन में बैठ जाएंगे, वज्रासन में बैठेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अपने हाथ को स्टमक पे रखेंगे, रिलैक्स। फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ये हेल्प करता है, आपके टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज सारी हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करने के लिए होती है। तो एक बार और करेंगे, हर आसन हर क्रिया हमें 3 बार करनी है तभी आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो फिर से करेंगे, कोई तनाव नहीं लेंगे, शांत मन से पूरा ध्यान लगा के हम लोग योग करेंगे। तो चलिए दूसरी क्रिया हम करते हैं, महाक्रिया। महाक्रिया भी बहुत अच्छी रहती है फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया रहती है, आपके डाइजेशन के लिए भी। इंटरलॉक योर हैंड, अच्छे से इंटरलॉक करेंगे क्लोज टू आवर नेवल। इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सपैंड योर बॉडी प्रॉपरली, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, धीरे से आगे आएंगे, एक्सहेल फोर्सफुली, कीप योर फोरहेड डाउन, रिलैक्स। 10 सेकंड के लिए विश्राम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आसन। सबसे पहले मैं आज आपको सेतु बंधासन बताऊंगी, पर थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ में। तो करते हैं, किस तरह से करना है, अच्छे से लेट जाएंगे, कॉर्नर ऑफ योर मैट, आपके फीट, बॉडी को ऊपर करिए, रिलैक्स। अब इसको हम करेंगे प्रॉपर ब्रीथिंग के साथ में, इनहेल, रेज अप, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 5 बार करने के बाद 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अब हम होल्ड करने जा रहे हैं, रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे कैट पोज। कैट पोज भी बहुत अच्छा रहता है, मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगी किस तरह से हमें इसको करना है। इनहेल, हमारा इसका पूरा असर आपके बैक पे पड़ेगा, स्ट्रेंथन करेगा आपके मसल को, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा। एक्सहेल, हंज योर बैक प्रॉपरली, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अब होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। रिलैक्स योर शोल्डर, एक्सहेल 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, एंड रिलीज। ब्रीथिंग का कोऑर्डिनेशन विद प्रॉपर मसल तो ये बहुत अच्छा रहेगा, हमारी ब्रीथिंग के लिए भी अच्छा रहता है, हमारे मसल्स के लिए भी अच्छा रहता है, और योग तो हमेशा करना ही चाहिए। तो चलिए अब हम एक और आसन करेंगे, नौकासन। वो भी मैं आपको थोड़ा मॉडिफाई करके बताऊंगी। देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले बेंड योर लेग्स, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे दोस्तों, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे विद एक्सहेलेशन। एंड रिलैक्स। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? सफलतापूर्वक हुआ हमारा चौथा दिन। मैं कल फिर आपको मिलती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। धन्यवाद।